किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में चीनी दूतावास आज सुबह कार बम धमाके से दहल उठा। यह धमाका दूतावास के बाहर हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि एक कार दूतावास के गेट से टकराई और राजदूत के आवास के सामने धमाका हो गया। किर्गिस्तान की पुलिस के मुताबिक धमाके में कार के चालक की मौत हो गई है और 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायल हुए लोगों में से 2 किर्गिस्तान के नागरिक हैं। बताया जा रहा है कि यह धमाका इतना तेज था कि कई किलोमीटर तक इसकी आवाजें सुनाई दी। GKNB स्टेट सिक्योरिटी सर्विस ने बताया है कि मामले की गहन छानबीन की जा रही है। किर्गिस्तान के आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय ने इस मुद्दे पर फिलहाल कोई बयान नहीं दिया है। किर्गिस्तान में चीनी दूतावास के बाहर हुआ धमाका कानून व्यवस्था पर बड़ी चोट है। फिलहाल किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। देखते रहिए ADP Live।